और पिल्ले जो है आपस में कितना लड़े हैं, दिख रहा है आपको? खून दिख रहा है इसकी आंख पे, येलो वाले की? देख, ये मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था। और तोते लेके जा रहे हैं भाई, 3-2-1 पिल्ले। भाई ये एक मजे की चीज देखें आप, कि जमीन से लाइन फट गई है और ये बच्चे लोग जो हैं ये सब एंजॉय कर रहे हैं। साइड एरिया का इलाका है, रक्शे वाला रक्शे धो रहा है, सुजुकी वाला सुजुकी धो रहा है, लाइन फट गई है, साफ पानी बह रहा है, ये बह रहा है, कहीं कहीं पे पानी नहीं है लोगों के पास। और आप देखें ये साफ लाइन फटी हुई है और काफ़ी टाइम से फटी हुई है, पूरा ये एरिया देखें सब जगह बह बह के पानी गया हुआ है। तो एक मुझे तो मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि मेरे घर पर पानी आ रहा है, जिसके घर में पानी नहीं आ रहा होगा वो उसको देख के तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये, कि साफ पानी में देखो क्या हाल हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। अल्लाह हिदायत दे भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोग वीडियो देख रहे थे, वो मैंने दोपहर में ऑफिस से जब मैं मेरी छुट्टी हुई थी तो उस टाइम मैंने बनाई थी वो वीडियो। पानी का इस तरह से जिया है मैं क्या बताऊं, और जिन लोगों को पानी की ज़रूरत है वहां तक पानी पहुंचता नहीं है। हालांकि उसी गली के अंदर वाटर बोर्ड वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो पानी बंद करने वाला कोई नहीं है। मतलब समझ लें हमारे यहाँ गवर्नमेंट तो मतलब नापैद हो चुकी है, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आती भाई। बस क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं भाई कि जिन लोगों के पास पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँच जाए। हालात तो इतने बुरे हैं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। खैर चलते हैं फिर। असगर भाई की तरफ जा रहा था मैं, मुझे वो ईदी देते हैं ना ईद पे, तो ईदी भी देनी है बच्चों को भाई। तो असगर भाई ने नोट निकलवाए थे नए, तो मैंने कहा यार कुछ नोट मुझे भी दे दो भाई, बच्चों को ईदी देनी होती है, तो बस वही लेने के लिए जा रहा हूँ। चलें आप भी आ जाएं, साथ चलते हैं। ये देखो भाई 3-2-1 पिल्ले किस तरह से लेटा हुआ है अपने अड्डे पे, ये इसका अड्डा है भाई। हाँ भाई अड्डा है तुम्हारा, अड्डा ही है। आ रहा हूँ मैं गाड़ी लगा के, आता हूँ मैं भी बैठता हूँ अड्डे पे। हाँ भाई साईं जो डेरो है, साईं का डेरा है, साईं का कैटल फार्म है भाई, ये साईं का कैटल फार्म है, सब पाला हुआ हमने भाई। लोगों के कमेंट आ रहे हैं भाई हमें 3-2-1 पिल्ले चाहिए। 3-2-1 पिल्ले, हम कहाँ हैं पिल्ले, हम तो स्टार्ट हैं ऑलरेडी। कमेंट आ रहे हैं भाई, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप पढ़ो ना। चार्ज है भाई, भाइयों की मोहब्बत है भाई, हमें मसला नहीं है भाई। गड्डियाँ गड्डियाँ कहाँ हैं, ऐसे खुले में रखी हैं तुमने गड्डियाँ यार? खुले में गड्डियाँ रखी हैं, खुले। दानिश का कमेंट आया, बोल रहे मुझे भी चाहिए 150 की। अभी मेरे पास भी आया, मैं सेठ आदमी तो हूं, हमारे पास गड्डियाँ कहाँ से आएंगे भाई। गड्डियाँ तो आपके पास है, तो आप तो हल्के में आते ही नहीं हो। नहीं अच्छा, 500 की एक दानिश से भी लेनी है यार। सीन कुछ यूँ है कि आप ये देखें कि आपस में जो है ये लोग जो है आपस में कितना लड़े हैं, दिख रहा है आपको? खून दिख रहा है इसकी आंख पे, येलो वाले की? देखें, और ये देखें ये इनका जो नमक पड़ा है इस पर भी खून लगा हुआ है, तो ये आपस में बहुत लड़ रहे हैं भाई। तो मैंने फैसला किया है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि आपस में बहुत लड़ रहे हैं, ये एक साथ रह नहीं सकते। तो एक दोस्त को दे रहा हूँ, उसके बाद बड़ा पिंजरा है, ये दोनों वहाँ रखेगा और हम इसके अंदर कुछ और रखेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इनको शिफ्ट कर दूँ ज़रा, चलो भाई इसको शिफ्ट करते हैं। अभी आप पकड़ी गई है, आप पकड़ेंगे। पिंजरा हो गया है भाई खाली, अब हम इसको पहले साफ करते हैं, फिर फिंच को इसमें शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास एक नया मेहमान है, इसके लिए ये देखें आप,
ये फिंच हम इसमें शिफ्ट करेंगे। ये मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था, उस वक्त मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने अपने दोस्त के पास रखवा दिया था, तो अभी मैं वापस ले लिया उनसे। इसको रखूँगा मैं अपने पास और बजरी ख़त्म कर देंगे हम, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके अंदर। चले भाई, पिंजरा हमने ये साफ़ कर लिया है, अब हम जो है और तोते लेके जा रहे हैं भाई। 3, 2, 1 पिल्ले ये लेके जा रहे हैं तोते सारे। ये हमने असगर भाई को दे दिया, असगर भाई संभालेंगे, हम रखेंगे इसके अंदर फिंच। असगर भाई पकड़िए ज़रा, अब हम इसमें पकड़ने, हमारा टास्क है फिंच पकड़ के डालना। गेट बंद कर देना कि भागे नहीं। गेट बंद कर दो भाई, ये भी बहुत कुर्ती की होती है, तो हम यहाँ रखते हैं। और फिर पकड़ते हैं भाई, तो जगह इतनी छोटी सी है इसके अंदर। सारे भाई बहुत मुश्किल टास्क है ये। मेरा हाथ यार, कार की खोल दो अंदर, चली जाएंगे गेट से। गेट मिलाओ पहले। हाँ, शारिक भाई को टास्क दिया है पीच डालने का। जाओ, क्या ट्रिक है? ट्रिक किसने करी? किसने? आशी ने डाला बाजरा। हाँ। जाओ। चलो भाई। आओ कुछ झाड़ू का तिनका लाओ भाई। चली आएगी, चली आएगी। क्या कुछ चली गई? चलो। झाड़ू को नहीं खिलाओ बेटा इसको, जाओ झाड़ू को दिन का लाओ बेटा। बहुत जिद्दी हो गई ये, दिख नहीं रहा क्या? अरे भाई चले जाओ यार, लाओ ना बेटा। काटती नहीं, मैं पकड़ूं सो। ये मेरा हाथ नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगी और हम फिर इसको यहाँ पकड़ लेंगे। पकड़ दो मेरे हाथ, बहुत पतले हैं बड़े। अरे भाई चले भाई, हमने ये ट्रांसफर कर दी है इसके अंदर फिंच। ये पिंजरा थोड़ा बड़ा लग रहा है इसके लिए, ये के 2-3 जोड़े और डाल देंगे हम इसके अंदर लाके। चले भाई, चलो भाई, ये तोते और आपको मुबारक हो, आप इंजॉय करें। ये हंडिया भी लेती जाए, इसकी हंडिया भी दे देता हूँ आपको। चले भाई, कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। आज 27वीं शब थी, तो आज कोई ख़ास व्लॉग बनाया नहीं, तो मस्जिद में इबादत का भी टाइम था तो इबादत के लिए चले गए थे, तो ख़ास जो है ना व्लॉग बनाया नहीं। तो बस यही है जो भी है, आज भाई की मोहब्बत में ये भी देखें। फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फी अमान अल्लाह।